हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग हेक्सोप्लेन के बारे में जानेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग हेक्सोप्लेन के बारे में जानेंगे कि दो टाइप का हेक्सोप्लेन होता है, एक होता है फिक्स्ड टाइप और एक होता है एडजस्टेबल टाइप, ठीक। तो आज हम लोग प्लेन के बारे में देखेंगे। हेक्सोप्लेन क्या होता है, हेक्सोप्लेन का हम लोग आज देखेंगे उसका टाइप, उसके पिच के बारे में और उसके सेटिंग के बारे में और उसका जो मटेरियल है उसके बारे में। तो पहले देखिए हेक्सोप्लेन का हम लोग देखेंगे कि उसका लेंथ कितना होता है, स्टैंडर्ड लेंथ। तो देखिए ये हम लोग हेक्सोप्लेन है, तो इसका जो लेंथ है वो मेजर किया जाता है। देखिए ये हम लोग जो पिन होल होता है, ठीक है, ये पिन होल के बीच की दूरी को हम लोग नापते हैं, तो उसको हम लोग इसका हेक्सोप्लेन का लेंथ बोलते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड लेंथ होता है 250 mm से कितना 300 mm, ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड लेंथ हो गया। तो अभी इसका हम लोग देखेंगे मटेरियल, मतलब किस मटेरियल से बना है। एक्सोप्लेन दो टाइप का होता है, एक होता है हार्ड टाइप और एक होता है फ्लेक्सिबल टाइप, ठीक। तो जो मटेरियल होता है एक्सोप्लेन का, हाई कार्बन स्टील का होता है और हाई स्टील का होता है और क्रूड स्टील का और हाई ग्रेड स्टील का होता है, ठीक, और एलो स्टील का भी बनाया जाता है एक्सोप्लेन। तो HCl, HCl, HSS, एलो स्टील, हाई ग्रेड स्टील, HGS, ठीक है, इस तरह के मटेरियल से एक्सोप्लेन बनाया जाता है। तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग से जो लेंथ हम लोग को मिल गया, हम लोग का मटेरियल मिल गया, अभी हम लोग देखेंगे इसका पिच के बारे में, ठीक। तो देखिए ये जो हेक्सोप्लेन का पिच है, मान लीजिए हम तो मैं बोलते हैं ये दोनों पिच के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं पिच, क्या बोलते हैं पिच बोलते हैं। तो ये जो पिच होता है, ये पिच तीन तरीके का होता है, एक होता है क्लोज टाइप, नेक्स्ट होता है मीडियम टाइप और लास्ट होता है फाइन टाइप। तो देखिए ये जो पिच के बीच की दूरी के अनुसार हम लोग ये तीन तरह से डिवाइड करते हैं। अगर ये पिच के बीच की दूरी होगा 1.8 तो उसको हम लोग क्लोज टाइप बोलेंगे, ठीक है। मतलब एक क्लोज टाइप पिच में पिच के बीच की दूरी होता है 1.8 mm और मीडियम में होता है 1.10 से 1.4 mm और फाइन में होता है 0.8 mm, ये इस पिच की दूरी। जैसे अगर 1.0 हो गया तो ये मीडियम में कहलाएगा, या अगर 1.4 हो गया तो भी ये मीडियम में कहलाएगा, और अगर ये पिच की दूरी हो गया 0.8 तो ये फाइन में कहलाएगा, ठीक है। तो ये तीन चीज हम लोग को मिल गया, क्या मिल गया, पहले हम लोग देखें उसका स्टैंडर्ड लेंथ, स्टैंडर्ड लेंथ क्या हो गया 250 से 300, ठीक। अभी फिर उसका मटेरियल हम लोग देख रहे हैं HCl, HSS, लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील हम लोग देखेंगे, ठीक। अभी हम लोग इसका पिच देखेंगे, पिच देखेंगे, ठीक। पिच क्या क्या होता है, 1.8 मतलब क्लोज, 1.0 से 1.4 मतलब मीडियम, और फाइन हो गया 0.8। तो ये तीन चीज हम लोग मिल गए। तो ये तीन चीज जब हम लोग निकाल लिए तभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हेक्सोप्लेन का स्पेसिफिकेशन बना देंगे, ठीक है। इसी से हम लोग का हेक्सोप्लेन का स्पेसिफिकेशन मिलता है। तो जैसे क्वेश्चन में हम लोग को आएगा कि हेक्सोप्लेन का स्पेसिफिकेशन क्या होता है, तो हेक्सोप्लेन का स्पेसिफिकेशन होता है स्पेसिफिकेशन होता है
तीन चीजों का हेड से बनता है इसके अंदर, एक होता है रेंज, दूसरा होता है दूसरा होता है पीच और तीसरा होता है टाइम। तो ये तीन चीजें हेड से बनता ये इसके अंदर होता है। तो देखिए मान लीजिए आपको हेड से प्लेट में लिखा रहेगा 300 × 1.8 × क्या रहेगा नो एलॉय स्टील ऐसा लिखा है। तो इसका मतलब आपका पूरा स्पेसिफिकेशन उसमें दे दिया है। ठीक है 300 मतलब क्या होगा 250 से 300 होगा उसका स्टैंडर्ड लेंथ, तो ये लेंथ में आ जाएगा। और 1.8 क्या होता है 1.8 होता है उसका पिच का मतलब कोर्स टाइप का पिच है, कौन सा टाइप का पिच है कोर्स टाइप का पिच। ठीक है कोर्स टाइप का पिच है। ठीक ये अगर 0.8 रहा तो फाइन टाइप का पिच होगा, ये अगर 1.0 रहा तो क्या होगा मीडियम टाइप का पिच होगा, और लो टाइप एलॉय स्टील ये टाइप में आ गया। ठीक है मतलब इस बुलेट का टाइप क्या होता है मतलब उसका मटेरियल क्या हो गया लो एलॉय स्टील, लो एलॉय स्टील में बनाया हुआ एक कोर्स टाइप का पिच वाला 300 mm का एक्सोब्लेट हम लोग को चाहिए। तो आप लोग जब एक्सोब्लेट लेने जाओगे तो ये पूरा डिटेल आप लोग को लेना होगा, तो इसका स्पेसिफिकेशन हम लोग को बताना होगा। तो आज के लिए इतना ही। देखिए हम लोग क्या देखिए एक्सोब्लेट का स्टैंडर्ड लेंथ देखिए, उसके पीच के बारे में देखें और उसके टाइप्स के बारे में जाने। ठीक है नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे जो कोर्स टाइप मीडियम टाइप और ये जो फाइन टाइप पीच है वो कौन कौन से मटेरियल को काटने में हम लोग को काम आता है। मतलब मान लीजिए कोर्स टाइप का जो है वो सॉफ्ट मटेरियल को काटता है या हार्ड मटेरियल को काटता है, ये सब के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। तो ये सब चीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।